झामुमो सुप्रीमो शिबु सोरेन के करीबी रहे। करीब 72 वर्ष से झामुमो के संस्थापक सदस्य तथा स्थानीय कद्दावर नेता चंदन किस्कू जी की आकस्मिक निधन हो गई। बताते चलें कि सरपंच साहब के रूप में चर्चित तथा झामुमो प्रखंड समिति बेगाबाद के अध्यक्ष होने के साथ साथ दिवंगत विधायक सालखन सोरेन एवं झामुमो सुप्रीमो शिबु सोरेन के खासम खास थे। आदिवासी समाज के साथ साथ अन्य वर्गों में उनकी अच्छी पकड़ थी। वे संस्थापक सदस्य होने के साथ साथ झारखंड आंदोलनकारी भी थे। उनके आकस्मिक निधन से आदिवासी समाज तथा अन्य वर्गों में भी शोक की लहर है। इधर इस घटना की सूचना पाकर दिवंगत चंदन किस्कू के पैतृक आवास ताराजोरी में गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय सिंह, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष नूरराम किस्कू उर्फ टाइगर, उपाध्यक्ष 20 सूत्री नीलकंठ मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह, विपिन सिंह, अब्दुल गनी उर्फ टिंकू, मोहम्मद फखरुद्दीन, इनामुल हक, डोमन बेसरा, मंजू मरांडी के अलावे झामुमो एवं कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के अलावे सैकड़ों ग्रामीण अपनी शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। वास्तव में हम लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे कि हमारी अगुआ साथी की पीढ़ी का एक व्यक्ति और चला गया। जिस समय बतौर कार्यकर्ता हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, उस समय ये लोग संगठन के अगुआ साथी कार्यकर्ता थे। आंदोलन के दौर में संगठन को बेंगाबाद प्रखंड से लेकर जिला तक नेतृत्व करने की जो क्षमता सरपंच साहब की थी, जिन चंदन किस्कू साहब को हम लोग प्यार से सरपंच साहब बोलते थे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज यहाँ बैठे हैं तो वो तमाम दिन और वो तमाम बैठकें याद आ रही है जो यहाँ पर हम लोगों ने संगठन में की हैं आंदोलनों को सफल बनाने के लिए, वो तमाम बातें याद आ रही हैं। निश्चित रूप से यही लोग वो थे जिनके बूते झारखंड आज अलग राज्य बना, यही लोग थे जिसके बूते झारखंड में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। हम अपने अगुआ साथियों के हमेशा ऋणी रहेंगे और हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि उनकी ही कुर्बानियों ने हमें आज यहाँ तक पहुँचाया है। महत्वपूर्ण कड़ी थे झारखंड आंदोलन के और इन लोगों ने अगुवाई की थी आंदोलन की। सरपंच साहब के नाम से मशहूर थे। हमारी आखिरी मुलाकात यहाँ करमजोरा मोड़ के मीटिंग में हुई थी, बातचीत लेकिन बराबर होती रहती थी और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति, समझदार अध्यक्ष भी रहे प्रखंड के, इसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। जो इन लोगों ने मार्गदर्शन दिया है इस प्रदेश को, उसी लीक पर चल के जो इनके सोच थे उसके विचार पर ही हम लोगों को आगे चलना होगा। निश्चित रूप से बहुत गहरी संवेदना और उनके परिवार को मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोग इस परिवार के साथ खड़े हैं, कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत इनको नहीं होने देंगे। इनके परिवार को एक गहरी इनका वो हम लोग करते हैं। जानना काफ़ी दुखद है, यह अपूर्णीय क्षति है संगठन के लिए। मजबूत साथी थे, उनके विचारों पर अब इस प्रखंड के और इस ज़िले के तमाम साथी उनसे जो सीख सके थे, राजनीति के गुर और संगठन के प्रति समर्पण और निष्ठा, यह अनुकरणीय है और हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पार्टी के अगुआ साथी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य, झारखंड आंदोलनकारी के प्रखर नेतृत्वकर्ता और हम सबों के अभिभावक, आदिवासी समाज के मिल के चलने वाले अपने समाज के नेता और पूरे पार्टी को एक सूत्र में बांध कर रखने वाले चंदन किस्कू, जिसको लोग सरपंच साहब के नाम से जानते थे, आज हमें इसके मृत्यु होने से पार्टी के तमाम लोगों को और समाज के लोगों इनके मृत्यु होने से हम काफ़ी मर्माहत हैं। दुख के घड़ी में हम पार्टी इनके परिवार के साथ खड़े हैं। इनका निधन होना पार्टी के लिए और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। निश्चित रूप से हम इनको अपने ओर से और पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम यही कहेंगे कि इनके बताए जो इन्होंने हम सबों को सिखाया है, निश्चित रूप से हम इनके बताए रास्ते पर पार्टी को और समाज को हम सबको लेके आगे चलना है। पुनः मैं आज इस धूप की बेला में पार्टी की ओर से उन्हें नमन करता हूँ और परिवार पूरी मजबूती के साथ दुख के घड़े में इसके परिवार के साथ खड़ा है।